करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत सिंह राजपुरोहित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। साथ ही साथ मीनाक्षी शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले तो मीनाक्षी शर्मा जी का रुख करेंगे। मीनाक्षी जी, जिस तरीके से लगातार विपक्षियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दें, इससे पहले मणिपुर पर चर्चा का जिक्र करते हुए तमाम जो विपक्षी दल थे वो संसद की कार्रवाई होने नहीं दे रहे थे, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए साहिल जी, मैं आज सुबह से ही संसद में जितने भी पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता थे सबका भाषण सुन रही थी, सबके वक्तव्य सुन रही थी, और जो निष्कर्ष निकला आज के जितने भी नेताओं ने बोला सत्ताधारी पार्टी के, किसी ने भी मुद्दे पे बात नहीं करी। एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसने मुद्दे पे बात की हो, जिसने मणिपुर पे चर्चा की हो, जिसने हरियाणा पे चर्चा की हो, जिसने महंगाई पे चर्चा की हो, जिसने बेरोजगारी पे चर्चा की हो, जिसने कानून व्यवस्था पे चर्चा की हो, या बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे चर्चा की हो, देश में भुखमरी पे चर्चा करी हो। इतने गंभीर विषय थे देश के अंदर, किसी विषय पर डिस्कशन नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी भी आए, मैंने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुना आज। लेकिन कहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी साहिल, जो मैंने बहुत नोट किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी के मैं बहुत सारे भाषण सुनती हूँ, मैंने उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस हमेशा देखा है, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं था साहिल, शायद आपने भी नोट किया हो। तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा बहुत बुझा हुआ था, और पूरा फोकस उनका आज के जो भाषण में था वो बस विपक्ष के ऊपर था। आज उनके ऊपर विपक्ष का जो फोबिया हावी हो रखा था, आज पूरे 2-2.5 घंटे के भाषण में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बातें की। उससे ये जाहिर हो जाता है कि आज के समय में मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी हो, आज वो विपक्ष की एकता से बहुत घबराई हुई है। ये तो आज बिल्कुल साफ हो गया उनके भाषण से, और देश की जनता भी देख रही है। रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर पे तो प्रधानमंत्री जी बोले ही नहीं, उन्होंने तो अमित शाह जी के वक्तव्य के कहते जी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे क्या जरूरत है एक्सप्लेन करने की। तो आपका अपना कोई मत नहीं है, आपके अपने कोई वो नहीं है क्या? तो आपको भी तो बोलना चाहिए था ना कुछ ना कुछ। बस आप ये कह देते हैं कि जी वहां सूर्योदय होगा, यहाँ पर ये होगा, वो होगा, कब होगा? 3 महीने। अच्छा, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी सुनिए तो सही। साहिल जी, 3 महीने में क्या किया प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो तो बता देते कि हमने शांति बहाल करने के लिए ये किया, या इस तरह की घटना इतने समय तक रुक जाएंगी? अच्छा मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी मुझे लग रहा है, मीनाक्षी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद पूरा भाषण प्रधानमंत्री जी का सुना नहीं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर पे काफी सारी बातें कही और उन्होंने, ठीक है ठीक है, नवनीत जी सुन लीजिए, ठीक है ठीक है, हाँ मैं नवनीत जी आपका रुख करूंगा, पहले मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी का पॉइंट मैं क्लियर कर दूं। मीनाक्षी जी देखिए, मेरा सिर्फ सवाल सिंपल सा ये था कि लगातार जो विपक्षी दल थे वो ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, अब उन्होंने मणिपुर पर जब बोलना शुरू किया तो विपक्षियों ने वॉकआउट कर दिया, 17 दिन की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। सुन ली, हाँ मीनाक्षी जी देखिए, कितने मिनट बोले? अरे मैम, जब वो बोलने लगे मणिपुर पर तब तो आप वॉकआउट कर चुकी थी, तब तो विपक्षी दल वॉकआउट कर चुके थे, क्योंकि वो मणिपुर में बोल ही नहीं रहे थे, 2-2.5 घंटे से शांति से सुनना था विपक्ष। अरे मैम, जब उन्होंने बोलना शुरू किया आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, आपकी डिमांड यही थी कि सबसे बड़ा मुद्दा देश का मणिपुर है, अब आप कह रही हैं बाकी तमाम मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है और विपक्षी हैं वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री आज अपने वक्तव्य में कह रहे थे। कंफ्यूज नहीं है वो, क्रिस्टल क्लियर उनका एक मुद्दा था कि भाई आज देश का सबसे गंभीर मुद्दा मणिपुर है, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर में किस तरह की शांति बहाल की जाएगी। तो आपने सुना कहा मैम, जब वो कहने लगे तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, क्या बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी आप? बिजली नहीं दे पा रहे, चलिए ठीक है, आपने सुना है, आप मुझे बताइए उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से मणिपुर में शांति बहाल की जाएगी। तो यानी आप 2-2.5 घंटे के भाषण के बाद मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनाऊं, जबकि संसद में आप लोग बैठे होते हैं, और ये मेरा काम है कि मैं अब आपको प्रधानमंत्री जी की बातें सुनाऊं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। चलिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है ठीक है मैम, ठीक है मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले नवनीत जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी क्या कहेंगे? मीनाक्षी जी जानना चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि शायद उन्होंने वहां तो कुछ सुना नहीं जहां उनको सुनना चाहिए था, तब तो वो वॉकआउट कर गई, अब वो कह रही है कि उनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, आप बता दीजिए। मणिपुर के नाम पर दिख रहे हैं,
झाड़ू के वोट सिख रहे हैं आम आदमी। ठीक है मीनाक्षी जी प्लीज, समय कम है, आप सुन लीजिए, है ना। मोदी जी को अगर सुना आपने संसद में तो सबसे बड़ी बात ही उन्होंने धैर्य की कही। उन्होंने यही कहा कि भाई विपक्ष में धैर्य होना बहुत जरूरी है। आप बोलना तो जानते हैं लेकिन सुनने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए जब जवाब मिलते हैं तो आप वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। मीनाक्षी शर्मा जी के चेहरे के पीछे मुझे आम आदमी पार्टी के होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं और बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है ये दिल्ली में बैठी हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया को समर्थन देने और वॉकआउट को समर्थन करने के उद्देश्य से पूरे दिल्ली में पार्टी होगी। इसलिए मीनाक्षी शर्मा जी टीवी में नहीं देख पाई कि मोदी जी ने आखिर में मणिपुर के बारे में क्या बोला। अब मैं दे देता हूँ। अरे सुनिए मीनाक्षी जी, धैर्य रखिए, अभी बहुत समय विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जैसा की मोदी जी ने कहा कि जो तीसरा अविश्वास प्रस्ताव आप लाएंगे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी। सुना है तो आत्मंथन तो करिए उन बातों पे। तो अभी विपक्ष में बहुत लंबे समय बैठना है तो धैर्य रखिए। अब मेरी बात ना, अरे जवाब दे रहा हूँ मीनाक्षी जी, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। आपने बात करी मणिपुर की, मैं दो तीन बातें स्पष्ट कर देता हूँ। अभी तो मैंने सुन लीजिए मीनाक्षी जी, धैर्य रखिए, सुनिए मेरी बात को। आपने मणिपुर के मुद्दे की बात की, अब मैं आपको दो तीन तकनीकी बातें बता देता हूं। मणिपुर के मुद्दे पर जब संसद में आप लोग बहस करना चाहते थे उस वक्त पे सबसे पहले अमित शाह जी ने, जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने अध्यक्ष को चिट्ठी लिख के बोला था कि बहस, आप सुन लीजिए, अरे मेरे पूरी बात तो सुनिए, धैर्य रखिए, मैं कह रहा हूँ धैर्य। मीनाक्षी जी हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी सब अपनी अपनी बात रख दीजिए फटाफट से। मैं वही बता रहा हूँ, नवनीत जी जल्दी बोलिए। जब गृह मंत्री जी ने ये कह दिया था अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिख के कि मैं मणिपुर के मुद्दे पे बहस करने को तैयार हूँ, जवाब देने को तैयार हूँ, तब विपक्ष, यही विपक्ष था जिसने उस चिट्ठी को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने गृह मंत्री की बात नहीं सुनी। उसके बाद दो तीन बार 176 सम रूल में, सम 260 रूल्स में पार्लियामेंट के विभिन्न नियमों के तहत बहस छेड़ने के प्रयास किए गए सरकार द्वारा, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा कि नहीं, हम तो पूरे दिन, दो तीन दिन, चार दिन बहस करना चाहेंगे। अब उसका जो इनके पास तरीका था वो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव था। मुझे नहीं पता मीनाक्षी शर्मा जी को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आप पूरे सरकार और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ये लेके आते हैं। आप किसी पर्टिकुलर इशू के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते हैं, आप पूरी सरकार के विरुद्ध लेके आते हैं कि सरकार का हाउस में कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, कारण इनका मणिपुर था, नहीं था वो भगवान जाने, मुझे नहीं लगता मणिपुर भी कारण था। ठीक है सर। जब अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब होती है और बहस होती है तो फिर सारे मुद्दों को टच किया जाता है और ये प्रणाली का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अपनी सभी योजनाएं, सारा कार्य गिनाती है और उसके अंत में मोदी जी ने कहा कि कल अमित शाह जी ने विस्तृत रूप से मणिपुर की पूरी भौगोलिक स्थिति, आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ विस्तृत में 1.5 से 2 घंटा बता दिया, लेकिन क्योंकि प्रोसीजर का पार्ट था, मोदी जी को संसद में आना था, इसलिए आज वो आए और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो व्यक्तित्व होना चाहिए था वो दिया। हाँ। और लास्ट में मणिपुर में उन्होंने क्या क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी वो भी बताया। ठीक है सर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उसको भी डिटेल में बताया। ठीक है सर, ठीक है। नेता कांग्रेस हिमांशु कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आप क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से सदन की कार्यवाही हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद साहिल जी कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, अपनी बात रखने का। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए अपने अहंकार को खत्म नहीं कर पा रही है, जिस अहंकार के तहत हम लोग तो चाह रहे थे कि 267 पर चर्चा हो, तभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हम लोगों ने चर्चा ही नहीं किया, हम लोग आए ही नहीं सदन पर, अमित शाह जी चिट्ठी लिखे थे, अरे भाई 267 पर चाह रहा था कि चर्चा हो, हमारी ये मांग थी, हम तो पूरी चर्चा की बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग तो यही चाह रहे थे कि 2 घंटे 2.5 घंटे का चर्चा हो और हंगामा हो और ये मामला खत्म हो जाए। तो पूरी चर्चा करने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आई है और प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे। दूसरी बात है कि आप देखे होंगे कि अडानी का मुद्दा हो, उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जी श्री राहुल गांधी जी के बातों का जवाब नहीं दिया था। अब जब कल श्री राहुल गांधी जी संसद में बोले तो सदन संसद से अनुपस्थित थे और फिर उनकी बातों का फिर जवाब नहीं दिया था। राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा था कि यदि हिंदुस्तान की, भारत की हत्या हुई है तो मणिपुर में आज हत्या हुई है, आप लोग पूरे देश में किरोसिन छिड़ा करना चाहते हैं। अरे सुनिए भैया, आप सुन तो लीजिए, ऐसे मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब करिएगा तो फिर आपको हम नहीं बोलने देंगे। आप सुनिए पैर से सुनिए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको, कोई नहीं बोल रहा बीच में, आपको कहां से आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद यदि डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी धैर्य रखने की बात कर रहे थे, कितना दिन धैर्य रखा जाए,
इस देश में दो महिलाओं का चीन हरण होता है और नंगे घुमाया जाता है, धैर्य रखा जाए। इस देश में आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तो धैर्य रखा जाए। इस देश में नौजवानों के खिलाफ कानून लेकर के आता है तो धैर्य रखा जाए। इस देश में तीन काले कानून किसानों के खिलाफ लेकर के आते हैं तो धैर्य रखा जाए। अरे धैर्य कब तक रखा जाए? धैर्य की सीमा होती है ना। अच्छा ठीक है हिमांशु कुमार जी, आपने तमाम बातें यहाँ पर कही और मैं उन तमाम बातों को अगर मान भी लूं, लेकिन आज जिस तरीके से सदन की कार्रवाई देखने को मिली, सवाल एक बड़ा यहीं पर ये उठता है कि जब विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलें, अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दें, और जब प्रधानमंत्री आज जवाब दे रहे थे तो क्यों विपक्षी दलों ने वॉकआउट यहाँ पर कर दिया? खैर इस सवाल का जवाब इस चर्चा में भी हमें यहाँ पर नहीं मिला, समय की कमी के चलते। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज